करने के मूड में थी नहीं यार, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगा कि इतने प्यारे बच्चे कब से बन गए। ध्वनि यार तू कलरिंग तो दिखा, वो ठीक से दिखी नहीं है मुझे। अरे मुझे कलरिंग देखनी है, तू मेरे को ये दिखाने में लगी। तो दिखा रही है बॉय से, पहले ये बॉय मैंने किया। जब बॉय में तूने कलर किया है? फ्रेंड मेरे को पोस्टर बनाना था मूड में स्टेज पर, पर मैंने देखा कि कम से कम 50% जो फूड बनता है घर में वो वेस्ट होता है। अच्छा वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स बच्चा पार्टी स्कूल से घर आ गई है, उन्होंने अपना लंच कर लिया और लंच में मैंने आज बनाया था उनका फेवरेट राजमा राइस, जिसे खा के उन्हें आया बहुत मजा। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ कर क्या रहे हैं। देखो फ्रेंड्स कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, आते ही अपना होमवर्क करने बैठ गए। जिनी जिनी कैसे हो रहा है बेटा? आज मेरा होमवर्क थोड़ा ज्यादा है तो टाइम लगेगा। कितना ज्यादा है जिनी, जरा तू ये बता। अभी मेरे को मैथ्स का करना है, मैथ्स के मेरे को देखो पापा इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। भाई जिनी एक बात बता, क्वेश्चंस हाँ। करने हैं आंसर करने हैं, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर निकालने हैं। और मैथ्स के अलावा क्या क्या है आपका? और हिंदी का मेरे को एक अनौपचारिक पत्र का, अनौपचारिक अनौपचारिक हिंदी का नहीं है। अनौपचारिक में होता क्या है? अनौपचारिक जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स। फ्रेंड्स मैं व्लॉग शूट करने के मूड में थी नहीं आज। अच्छा लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगा कि इतने प्यारे बच्चे कब से बन गए कि स्कूल से आते ही खाना खा लिया, खाते ही पढ़ने बैठ गए। फ्रेंड्स ना फोन लिया, ना टैब लिया, ना टीवी देखा। अरे वाह इतनी खुशी मुझे आज तक। मैं स्कूल से आ गई थी, थक गई हूँ ना, आज मैंने खेला बास्केटबॉल और मतलब मैंने पूरा एक घंटा खेला वो और इतनी मस्ती करी बास्केटबॉल। जिनी एक बात बता, तेरे को मैथ्स और हिंदी के अलावा क्या होमवर्क मिला? मैथ्स और हिंदी, और वो भी तो ज्यादा लग रहा है। वो फिर वही है ना, जब तक टीचर देखेंगे कि तो उन्हें कैसे लगेगा। देखो मेरी ट्यूशन भी है, ठीक है फिर मेरे को एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। ओ भाई गजब। और ये हमारी चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया कलरिंग, तू भी क्या बोलती है? कलरिंग कर रही है। किस चीज में कलरिंग कर रही है? बुक लेके नहीं गई थी स्कूल, तो हमें यहाँ पे ये लिखना था और फिर इनमें कलर करना था और इसमें भी करना था। धोनी एक बात बता, कलर किया है? तू स्कूल लेके क्यों नहीं गई? ओ मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? इसका डेली नहीं, वीकली का वो आ जाता है सर्कुलर, पीक ऑफ द वीक आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बुक्स रखनी होती है। तो आज के पीक ऑफ द वीक में इसका नोटबुक वर्क था, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि ये वर्क बुक रखनी है। कोई बात नहीं, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है ध्वनि यार, तो कलरिंग तो दिखा, वो ठीक से दिखी नहीं है मुझे। अरे मुझे कलरिंग देखनी है, तू मेरे को ये दिखाने में लगी हुई। सबसे पहले ये बॉय मैंने किया। जब बॉय में तूने कलर किया है? नहीं मैं नहीं मानता। आपको लगा प्रिंटेड है? हाँ वो लगा है सिरा, मेरे को लगा उसमें कलरिंग कर रही थी। है बहुत सुंदर कलर कर रही है, मैं वो भी देख रही हूँ। मैंने ये भी कर रहा है, फिर ये किया था मैंने। कंफ्यूज है ये बहुत ज्यादा। जिंदगी का रिएक्शन देखो, ऐसे जान जान के देख रही है, ऐसे क्या कलर कर दिए कि मैं फेल हो गई। जिन्नी तो सबको फेल कर देती है कलर में, जिन्नी इज द बेस्ट फॉर कलरिंग। नहीं थैंक यू सो मच, मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ और मैं चाहती हूँ ये मेरा टैलेंट आगे जाके भी बना रहे। एक्चुअल में ये अगली मोनालिसा की पेंटिंग यही बनाएगी। कुछ भी ओ थैंक यू सो मच, मैं जितनी भी मैं अगली मोनालिसा नहीं बनाऊंगी, मैं अगली दीवानी बनाऊंगी। सेकंड का इसी रिद्धि का बच्ची कोई नहीं था, बच्ची बना के लाई थी। ओ भाई क्या बात है, देखा फ्रेंड्स क्या धमाल कर रहे हैं आजकल की जनरेशन सुपर्ब है, मतलब इतनी चार कदम आ गया ना हम लोगों से। हम लोगों ने अपने टाइम में सब चीजें करी ही नहीं थी। चल छुट्टी हाँ क्यों नहीं करी थी, हमने तो करी थी। मैंने 1 रुपए की 8 टॉफी ली हुई है। मैंने 12 टॉफी ली हुई है बोलो। अरे तुमने लूट लिया उसे। मेरा तो काम ही यही था। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और मैंने 1 रुपए में कंचे वाली बॉटल भी पी हुई है। कंचा तो नहीं खाया? नहीं कंचा नहीं खाया, आपने पिया कंचे वाली बॉटल? बहुत ज्यादा। किस किस की मम्मी और पापा ने कंचे वाली बॉटल पी है जरा कमेंट करके बताओ। हमें नहीं कंचे वाली बॉटल पीते हैं वो जो एक सेकंड एक सेकंड में आप बात काटूंगी। कंचे वाली बॉटल कैसे पी सकते हैं? बॉटल को कैसे पियो यार? बेटा कंचे वाली बॉटल इट मींस उसमें कंचा होता था, उसको प्रेस कर देते उसमें। अगर कहीं पे मिलेगी तो हम तेरे को पिलाएंगे और ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स मेरे मुंह में तेरे को भी चल तो चलो इन्हें पढ़ने देते हैं। बॉटल ही बेस्ट हो गई इनकी। लेटर दैट सेम इवनिंग तो
तो फ्रेंड्स हम लोग मॉल आ गए हैं और वो हमें इतनी इमरजेंसी में आना पड़ा क्योंकि धोनी का क्या टूट गया था, लंच बॉक्स। सोचो लंच बॉक्स टूट गया और ये हमें मॉल ले आई है कि मुझे नया लंच बॉक्स मॉल से ही लेना है। तो आप देखते हैं इसे मॉल में पसंद आता है या लोकल मार्केट से पसंद आएगा, लेकिन जब तक लोकल मार्केट हम जाएंगे तब तक मार्केट बंद हो चुकी होगी, तभी हम मॉल में ही सर्चिंग करते हैं। धोनी एक बात बताओ, आपको कैसा लंच बॉक्स चाहिए? मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा और ब्लू कलर का? कौन से कलर का? फ्रेंड मतलब गर्ल्स को पता नहीं क्या रहता है। मेरे को तो नहीं चाहिए ना कुछ, कुछ चाहिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए फ्रेंड, एक काम करेंगे, नहीं फ्रेंड एक काम करेंगे, जो लंच बॉक्स इस रैपर में वो देंगे ना वो हम इसको दे देंगे। चले क्या, इसे कुछ तो मिल जाएगा। गजब बेइज्जती है। हाँ भाई धोनी कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, दिखाना कैसा है? देखो भाई कितना बड़ा, बड़ा। फ्रेंड बताओ इतना बड़ा लंच बॉक्स है, इतनी बड़ी तो हमारी भी धोनी भी नहीं है। क्यों ले रही है? एक साइड में रखूंगी फ्रूट, एक साइड में रखूंगी लंच। बात तो सही है। अच्छा ये भी एक में ही काम कर लेगी, मुझे ये सही लग रहा था। मुझे दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करो यहाँ पे थोड़ा सा देखो वरना फिर कहीं और चल के हम लोग ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड फाइनली एक घंटे ढूंढने के बाद हमें धोनी के मनपसंद का लंच बॉक्स नहीं मिला और आप इसका चेहरा देख सकते हैं। धोनी ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है आपने? फ्रेंड एक बात बताओ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो हम कैसे जबरदस्ती से दिला दें? धोनी एक काम करेंगे हम वीकेंड पे चल पड़ेंगे, ठीक है ना? अभी जो घर में लंच बॉक्स है आप वो यूज कर लेना, ओके? ठीक है, और कुछ स्नैक्स वगैरह खाने चले, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे तो। चले तो फ्रेंड यहाँ पे धोनी सोच रही है कि वो क्या खाए। धोनी आपको क्या खाना है? सूप पीना है। कौन सा? मंचा। और कुछ खाना तो नहीं है? क्या खाना है, मतलब मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा। दिमाग नहीं खाना और कुछ? वो देख रही है, इतनी तो आइटम मिले जितना तो टाइम लगा रही है। इडली सांभर। और मम्मी जी आप क्या लोगी? मम्मी देख के बताएगी। मम्मी देख के बताएगी। और तेरा मेरा तो आज फिक्स है ना? यस, क्या फिक्स है? ये मैं क्या होता है? पापा और आप? अच्छा, और मम्मी आप? मम्मी देखो सीधा ना बेकरी पे आ गई, डेजर्ट पे आ गई सीधा। बताओ बताओ, नहीं कोई बात है यार, इतना सारा मंगा रहे हो तो मैं सोच रही हूं पहले उसी में से शेयर कर लूं, जब भूख होगी तो मैं खा लूंगी। और लेकिन बिल्कुल इसको कहते हैं कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग चल रही है, कॉस्ट कटिंग। ये क्या होता है? कटिंग थी और फूड वेस्टेज भी नहीं होना। बिल्कुल अच्छा, तभी तो हम जैसे लोग बाहर खा लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फ्रेंड फाइनली हम लोगों का सीनियर मेरा क्या गया है? सिज़लर। तुम ट्राई करोगी? नहीं भी ट्राई करेगी सोनी, तू ट्राई करेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसमें पनीर होता है, हरा कबाब होता है, खाएगी ना? तंदूरी आलू भी खाएगी। हाँ भाई जी, ने क्या रिपोर्ट है इसकी? बहुत टेस्टी है। तुम क्या ट्राई कर रहे हो? कबाब? मैंने आलू लिया था और कबाब। और धोनी आप? मैंने आलू लिया था, कबाब, और मैंने आलू पूरा खा लिया। आलू पूरा खा लिया पर मटर मटर छोड़ दी तुमने? नहीं मैं सब्जियाँ नहीं खाती। सब्जियाँ नहीं खाती? हाँ खाना चाहिए आगे से, ठीक है? तो यहाँ पे धोनी की आ गई है इडली, बड़ा, उत्तपम और डोसा, सब कुछ। धोनी तुमने क्या क्या खाया? पान। अभी मैंने खाया कबाब। इसमें से क्या खाया मेरी माँ? क्या बोला तूने? एक इडली, एक इडली और एक उत्तपम। कैसा लगा? बहुत अच्छा।
तुम्हारी प्लेट खाली कैसे है? डन हो गया। तेरे से तो पूछना ही बेकार, तेरे से पूछना बेकार है, तू तो अभी खाती जाएगी। फ्रेंड देखो, इसने ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, मतलब और इसकी इसकी फ्रेंड अभी इसकी नजर ना इस पे है। A few moments later. तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने डिनर कर लिया है और ध्वनि का ध्वनि का क्या नहीं मिला? लंच बॉक्स। तो फ्रेंड ध्वनि का लंच बॉक्स नहीं मिला है। जिस काम के लिए हम घर से बाहर निकले थे वही काम पूरा नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, ध्वनि इसमें भी कुछ अच्छा होगा। तो फिर हम अभी नेक्स्ट वीकेंड कहीं पर जाएंगे और इसके लिए लंच बॉक्स खरीदेंगे। ध्वनि आर यू सैड? कोई बात नहीं फ्रेंड, आप जल्दी जल्दी कमेंट करो कि ध्वनि को सैड नहीं होना चाहिए। और वी होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा, जल्दी जल्दी इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।